सपा का बेरोजगारी के लिए धरना प्रदर्शन। सपा पार्टी चंपावत जिलाध्यक्ष श्री ललित मोहन भट्ट ने बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई के साथ साथ खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल तथा गैस के दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे गरीब पर बहुत मार पड़ रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कहा था कि लोगों को रोजगार देंगे, पर उसके बजाय लोग पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग जंगलों में पशुपालन करते हैं, जंगलों में उन पशुओं की कोई देखभाल नहीं हो रही है, जिससे दुग्ध उत्पादन पर असर पड़ रहा है। कोरोना काल में भी हर किसान परेशान है। पहाड़ों में किसानों ने कई हजारों कुंतल आलू लगाए, वो भी खराब हो गए, बारिश नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ टैक्सी वाले लोग भी परेशान हैं। उनका कहना है कि गाड़ियाँ 3 महीने से घरों में खड़ी हैं, तो वाहन टैक्स कहाँ से भरा जाएगा। केंद्र सरकार व राज्य सरकार को किसानों को, पशुपालकों को, फल वालों को, दुकान वालों को, टैक्सी वालों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। चंपावत उत्तराखंड से आसिफ अली की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आज आपका धरना प्रदर्शन का जो ये था, आज जो कार्यक्रम था आपका, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धरना प्रदर्शन इसलिए कर रखा है कि एक तो बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है जी, तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस सब कुछ बढ़ गया है, और क्या कहते हैं जो है गरीब मार बहुत पड़ी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये कहते आई है कि रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं मिला है। आदमी जो पलायन कर रहे हैं, जो जंगलों में जानवर है जंगलों से पलायन कर रहे हैं, जो जंगलों की देखभाल कुछ नहीं है, जानवरों की देखभाल कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक कोरोना काल में हर गरीब तख्त का आदमी क्या कहते हैं परेशान है। जैसे किसान हो गया, किसान ने आलू लगाए थे, पूरे हजारों कुंटल उसके आलू खराब हो गए हैं, और खेती हो नहीं रही है, बारिश हो नहीं रही है, तो और बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आदमी को कोई रोजगार मिल नहीं रहा है। और तीसरी बात जो है कि टैक्सी वाले परेशान हैं। 3-3 महीने अपने घर में खड़ी थी, अब ये कोरोना काल हल्का सा खुला, एक सवारी नहीं मिल रही है, कहाँ से टैक्स देंगे, कहाँ से किस्तें देंगे। और मैं सरकार से ये एक बात कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने फल वालों पे उसमें हो गया, और दुकानदारों के हो गया, टैक्सी वालों के हो गया, कम से कम 1-1 लाख की आर्थिक सहायता करनी चाहिए, जो उस सहायता से हर इंसान, हर गरीब तत्व का इंसान उभर सके। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष ललित मोहन भट्ट चंपावत। जय हो।